फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो आइए आज दूध दूध देख के आप समझ ही गए होंगे क्या क्या बनने वाला है, किस मीठा बनने वाला है। तो हम लोग आज बनाएंगे खीर। खीर बहुत ही स्वादिष्ट होता है, हर किसी का पसंद होता है, बच्चे बूढ़े बड़े सबके सबका पसंद होता है। आइए आज बनाते हैं खीर मेरी तरीके से, बहुत ही आसान विधि से और बहुत ही गाढ़ी और टेस्टी खीर। तो उसके लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, 100 ग्राम चावल, कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसको हमने काट लिया है, मखाना है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, नारियल गोला जिसे घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया। तो आइए चावल को पहले धुल लेते हैं, दूध उबाला है, चावल धुल लेते हैं फिर मिल। तो दूध एक उबाल आ चुका है, इसको साइड में रखते हैं, इस पर चढ़ाते हैं एक फ्राई पैन। इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी 2 चम्मच। ये गरम हो जाएगी, गरम होने देते हैं। घी गरम हो चुका है, घी और इसमें डालेंगे चावल। चावल को करेंगे फ्राई। फ्राई करके बनाई हुई चावल की खीर बहुत टेस्टी होती है। पानी हटा लेंगे, फिर चावल डालेंगे। तो देखिए चावल फ्राई हो चुका है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना। अब इसको सीधे डायरेक्ट दूध में डाल देते हैं और इसी कढ़ाई में हम भूनेंगे ड्राई फ्रूट। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी घी डाल करके सबसे पहले डालेंगे मखाने को। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है, इसको भी हम डाल देते हैं सीधे दूध में। अब इसी में बिना घी डाले हल्का गैस स्लो कर देंगे, ये सारे ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी घी बची हुई है वही ज़रा सा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं। रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट बहुत टेस्टी होता है, ऐसे डालेंगे ना तो वो थोड़ा सा खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसी में इसको भी डाल देते हैं, बस 1 से 2 मिनट इसको रोस्ट करना, ज़्यादा नहीं तो ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। देखिए ये हो चुका है। अब हम गैस पर इसको चढ़ा देते हैं इस साइड में और इसको धीमी आंच पे पकने देते हैं, अच्छे से करने देते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या, इसको निकाल लेते हैं तो ये जल जाएगा, फिर करने देते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए ये 15 मिनट से कड़ रहा था, 15 मिनट से पक रहा था, ये 15 से 20 मिनट हो चुका है, ये हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चीनी, 1 कटोरी चीनी है, और ये ड्राई फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट अभी डाल देंगे, कुछ ऊपर से सजाने के लिए रखेंगे। तो ये पूरी तरह से तैयार है, खुद देखिए कितनी गाढ़ी खीर बनी हुई है। अभी इसको मैं बाउल में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले इलायची पाउडर डाल लेते हैं, ये देखिए ये है इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, इसको डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देते हैं। इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देते हैं फिर निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ एक चीज़ बता दें, दूध अगर गाढ़ी बनानी है तो 1 दिन की पुरानी दूध लिए, गर्म करके दूध रख दीजिएगा फ्रिज में, और बासी दूध का बनाइएगा, उससे खीर बहुत गाढ़ी बनती है। अगर ताज़ा ताज़ा दूध का बनाएंगे तो उतनी गाढ़ी खीर जल्दी नहीं बन पाती, उसके लिए गाढ़ा करना पड़ता है। लोग मिल्क पाउडर पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, उसका स्वाद तो अलग हो जाता है, लेकिन ये खीर का स्वाद एकदम अलग होगा। तो इस तरह जब खीर बनाइएगा आप खुद अंतर महसूस करिएगा। तो इस तरह से बनाइए, 1 दिन की पुरानी दूध थोड़ा सा गाढ़ा करके रख दीजिए और उसका खीर बनाइए, इतना गाढ़ा कि आप भी कहोगे वाह। इस तरह से बनाइएगा खीर। तो फिर मैं निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको इसी में मिलना भी इलायची पाउडर अच्छे से मिलाने देते हैं। तो देखिए कितनी गाढ़ी दही खीर बनी है। अब इसको निकालते हैं डोंगी, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कितनी गाढ़ी, देखिए कितनी गाढ़ी बनी है।
और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, ठंडा होंगे होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से बनाइए चावल की खीर। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है चावल की खीर आप सब लोगों के लिए। इस पर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से ऐसे डेकोरेट कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे खाइए या गरम गरम खाइए, जैसे भी पसंद हो वैसे खाइए। ठंडे होने के बाद और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से बनाइए, देखिए कितना गाढ़ा, खुद देखिए, आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। बस एक दिन की पुरानी एक छोटी सी ट्रिक्स है, एक दिन की गाढ़ी की हुई पुरानी दूध का बनाइएगा। ताज़ा ताज़ा दूध का बनाइए, उतना थोड़ा और ज़्यादा पकाना पड़ता है, सो काफ़ी टाइम लगता है। ये आपका खीर 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइए और खाइए अपने पूरे परिवार के साथ, इसका मज़ा उठाइए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो लीजिए खीर का मज़ा लीजिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। खीर खाइए और बताइए कैसा बना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।